नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। घर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें अगर आपके घर में भी है तो समझ जाइए कि आपका राहु केतु खराब है। चलिए जान लेते हैं। टूटा हुआ पलंग और कुर्सी जिसके घर में रहती है, टूट गई है कुर्सी, टूट गई है पलंग, आपका टूट गया, फिर भी आपने उसको सहज के रखा है। बहुत लोग होते हैं ऐसे, आप उसे घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है उसे घर से बाहर निकालने की, किसी को देने की या घर से कबाड़ की तरह उसे बाहर फेंकने की, क्योंकि आपका राहु और केतु खराब है। ये सबसे बड़ा लक्षण है। गलती, बार बार गलती करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानना, ये भी राहु केतु खराब होने का सबसे बड़ा लक्षण है। बारिश में अगर आपने ऊपर अपने छत पे कबाड़ रखा है, लकड़ी का सामान रखा है, या फिर लकड़ी रखी है और लकड़ी बारिश में हमेशा भीगती है, आप उसे नहीं हटा रहे हैं, तो समझ जाइए आपका राहु केतु खराब है। घर में बार बार चूहों का आना, बड़े बड़े चूहे जो होते हैं वो आ जाते हैं घर में, घुस जाते हैं, तो समझ जाइए आपका राहु और केतु खराब है। अगर कोई बिजली का सामान है वो ख़राब हो गया है, टूट गया, उसके बाद भी आपने उसको घर में रखा है, आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बिल्कुल आप लापरवाही, नहीं निकालना है तो नहीं निकलना है, तो समझ जाइए आपका राहु केतु खराब है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो इससे क्या होता है, तनाव घर में बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है, आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते हैं, पैसों की दिक्कत, तंगी बनी रहती है, किडनी के रोग होते हैं ऐसे लोगों को, स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं, कमर में हमेशा आपको दर्द रहेगा, या किसी ना किसी वजह से आपको परेशानी रहेगी। जिस घर में ये सारी चीज़ें होती है, राहु केतु खराब होता है, तो ये लक्षण है। पैरों में दर्द, घुटने से नीचे आपको, सर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहेगी, जिससे आप डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे, पैसे भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, आर्थिक तंगी भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में होती हैं तो इसे सुधार लीजिए, कबाड़ को बाहर निकालिए, जैसे जैसे मैंने बताया वैसा कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु अच्छा हो जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।